गद्य खंड आइए सबसे पहले सुनते हैं मदन मोहन मालवी के विचार विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास अपने पूर्वजों के चरित्र अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था दूसरे देशों के इतिहास समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाए अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाजों में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुने और अब डॉक्टर कोई स्वार्थ नहीं रखते उन्हें खेल कहते हैं अध्यापक का काम अक्सर अपना इनाम आप होता है वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति वह एक छोटी सी बात से एक साधारण सी क्रिया से चेहरे के रंग से और आंखों को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है वह अपने विवेक और सूझबूझ से बच्चों के हृदय बुद्धि और आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को समझ लेता है वह कभी हंसकर कभी तारीफ करके कभी नरमी से कभी सख्ती से कभी उकसाकर कभी आलोचना करके बच्चे की वास्तविकता को समझकर उसका मार्गदर्शन करता है और आइए अब सुनते हैं पाठ नेताजी का चश्मा इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश पृष्ठ संख्या उनसठ से सड़सठ स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश का जन्म सन उन्नीस में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता फिलहाल स्वैच्छिक निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं आठवें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं उनके तेरह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें सूरज कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों नदियों पहाड़ों पेड़ पौधों वनस्पतियों पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं नेताजी का चश्मा हालदार साहब को हर पंद्रहवें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ ही मकान है और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था कस्बे में एक लड़कों का स्कूल एक लड़कियों का स्कूल एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना दो ओपन एयर घर और एक ठो नगर पालिका भी थी नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में पूरी बात तो पता नहीं लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फुट ऊंची जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी नेताजी सुंदर लग रहे थे कुछ कुछ मासूम और कम सिंह फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का है वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या है? मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है तीसरी बार फिर नया चश्मा था हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना एक बार जब कौतूहल दुर्दमई नहीं हो एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी ऊठा तो पान वाले से ही पूछ लिया क्यों भाई क्या बात है यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा उसकी तोंद थिरकी पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए चश्मा चेंज कर देता है पान वाले ने समझाया क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कोई गिराक आ गया समझो उसको चौड़े चौखड़ चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है बल्कि आहत करती है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा हो तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है वाह भाई खूब क्या आइडिया है लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहा गया पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था दोपहर का समय था दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा उसकी तोंद थिरकी कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली यानी वो ठीक ही सोच रहे थे मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा बना भी ली होगी लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाएगा कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ लपके फिर रुके फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिवाही पान वाला नया पान खा रहा था पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से डेढ़ इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला नहीं वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल वो देखो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो फोटो वोटो छपा दो उसकी कहीं हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा मुड़कर देखा तो अवाक रह गए एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक हाथ में में एक एक छोटी सी और दूसरे बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फिर ही लगाता है हालदार साहब चक्कर में पड़ गए पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं क्या यही इसका वास्तविक नाम है लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था काम भी था हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे कभी-कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर कभी लाल कभी काला कभी धूप का चश्मा कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था उस दिन पान की दुकान भी बंद थी चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा क्यों भाई क्या बात है आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है दुखी हो गए पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा देखते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको जीप स्पीड में थी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा रास्ता चलते लोग देखने लगे जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भराई प्रश्न अभ्यास एक सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे दो हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए बना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे ख मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है ख हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे तीन आशा स्पष्ट कीजिए बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हस्ती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है चार पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए पांच वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए रचना और अभिव्यक्ति ये वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोसता हुआ बोला साहब कैप्टन मर गया ग कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा लेता था सात जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा अपनी कल्पना से लिखिए कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है क इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं ख आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों ग उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? 9. सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी ना किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना पर्यावरण संरक्षण आदि अपने जीवन जगत में जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए इन पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए कोई गिराक आ गया समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया ग्यारह भाई खूब क्या आइडिया है इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से से क्या लाभ होते हैं। भाषा अध्ययन बारह, बारह, इन वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए क नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी क, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा ग यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था घ हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए द, दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे तेरह इन वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए क वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था घ पान वाला नया पान खा रहा था ग, पान वाले ने साफ बता दिया था ग, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे छ नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया छ हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया रिपीट चौदह इन वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए जैसे आप चलते हैं अब चला जाए क माँ बैठ नहीं सकती ख मैं देख नहीं सकती ग चलो अब सोते हैं घ माँ रो भी नहीं सकती लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया क मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे ख हम अपने इलाके के शिल्पकार संगीतकार चित्रकार और दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं लिखिए आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएं प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए कैप्टन फेरी लगाता था फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी जरूरतों को आसान बना देते हैं फेरी वाले के योगदान और समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है निबंध के इस अंश को पढ़िए और समझिए कि गद्य की विविध विधाओं में एक ही भाव को अलग अलग प्रकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है देश प्रेम देश प्रेम है क्या प्रेम ही तो है इस प्रेम का आलम्बन क्या है सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है यह गत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है साराश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है देश प्रेम यदि वास्तव में अंतकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उससे अपने देश के मनुष्य पशु पक्षी लता पेड़ वन पर्वत नदी निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा वह सबको भरी दृष्टि से देखेगा वो सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहेगा, जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है जो यह भी नहीं जानते कि चातक कहां चिल्लाता है और जो यह भी आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं और जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो यह कैसे समझे उनसे कोसों दूर बैठे बैठे पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो पर प्रेम का नाम उसके साथ ना कसिटो प्रेम हिसाब किताब नहीं है हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल जाते हैं पर प्रेम करने वाले नहीं हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है हितचिंतन और हितसाधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है उसका संबंध लोभ या प्रेम से है जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल